हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल डी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये ग्लैम दिवाली मेकअप शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने ये मेकअप कैसे किया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इन टू दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं न्यूट्रोजीना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। और अब अपने फेस को प्राइम करने के लिए मैं मैक का प्रेप एंड प्राइम स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ। और फाउंडेशन के लिए मैं एले कलर्स का ट्रूली मैट फाउंडेशन अप्लाई करूँगी इन द शेड न्यूड। और इसको मैं अपने फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी, फिर एक ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। एंड यस गाइस, आप लोग मेरे बाल में वो वाइटिश सा कुछ देख पा रहे होंगे, वो सफ़ेद बाल नहीं है गाइस। मैंने अपने बालों में ड्राई शैम्पू स्प्रे किया था तो वो उसी का वाइट रेसिड्यू है। तो कंसीलर के लिए मैं मेबलिन का फिट मी कंसीलर अप्लाई करूँगी इन द शेड 25 मीडियम। इसको मैं अपने अंडर आइज़ पे, नोज़ पे, चिन पे और अपने फोरहेड पे अप्लाई करूँगी इन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। और मैं सेम ब्रश के हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। अब अपने फेस को सेट करने के लिए मैं मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी इन द शेड 130 बफ बेज। अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ इन द शेड डार्क ब्राउन। अब मैं सिवाना का ब्राउन पैलेट से ये वार्म ब्राउन शेड लेकर अपने क्रीज पे अप्लाई करूंगी एज अ ट्रांजिशन शेड। अब मैं ये ग्रीनिश ब्लैक शेड लेकर अपने आउटर वी पे अप्लाई करूंगी और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं अपने आईलिड पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि मैं जो नेक्स्ट शेड लगाऊँ उसका पिगमेंट मुझे अच्छे से मिले। मैं इसको प्रॉपर कट क्रीज नहीं कर रही, मैं सिर्फ रफली कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं एले कलर्स आफ्टर पार्टी आई शेडो पैलेट में से ये मेटालिक सिल्वर शेड ले रही हूँ और इसको मैं अपने आईलिड पर प्लेस कर लूँगी। इसको मैं अपने फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेटालिक और शिमर शेड्स फिंगर से ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होते हैं। और अब मैं पहले वाले दोनों शेड्स को लेकर सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई हार्श एजेस ना रहे। और मैं सेम शेड्स अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूंगी। अब मैं लैकमे का आइकॉनिक काजल लेकर अपने अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन को टाइट लाइन कर लूँगी। आप चाहे तो विंग आईलाइनर भी बना सकते हैं, मेरे आईज हुडेड हैं तो मैं ज़्यादातर अपने आईज को टाइट लाइन ही करती हूँ।
मस्कारा के लिए मैं मेबलिन का हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटरप्रूफ मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। इसका मैं बहुत थिन लेयर अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे फॉल्सीज भी वेयर करनी है। मैंने फॉल्स आई लैशेस वेयर कर लिए हैं। अब मैं एले कलर्स का ब्लश्ड बे पैलेट यूज़ करूँगी कंटूर और ब्लश के लिए। इससे मैं अपने चीक बोन्स और जॉ लाइन को कंटूर करूँगी। और सेम पैलेट में से मैं ये ब्लश शेड्स लेकर अपने चीक्स पे अप्लाई करूंगी। अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाईलाइटर यूज कर रही हूँ इन द शेड प्रेशियस पेटल्स। इसको मैं अपने आईब्रो बोन और इनर कॉर्नर्स पे भी अप्लाई कर लूंगी। और लिपस्टिक के लिए मैं लैक्मे का 9 to 5 प्राइम प्लस मैट लिपस्टिक वेयर करूंगी इन द शेड मैपल मैप। ये बहुत ही अच्छा न्यूट शेड है और इसके ऊपर मैं एसेंस का लिपस्टिक अप्लाई करूंगी इन द शेड दिस इज मी 06। और सब कुछ सेट करने के लिए मैं मैक का फिनिशिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। और अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि मुझे बिंदी वेयर करना कितना पसंद है। और एक्सेसरीज के लिए मैंने ये नेकलेस और मैचिंग बैंगल्स वेयर किया है। और आउटफिट के लिए मैंने ये ब्लैक रफल साड़ी को ड्रेप किया है इस सिल्वरिश वाइट लहंगे के साथ और उसके ऊपर मैंने ये ब्लैक बेल्ट के साथ एक्सेसराइज किया है। और इसी के साथ मेरा ये ग्लैम दिवाली लुक कंप्लीट होता है। और अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप सभी को मेरे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सभी को मेरे साइड से हैप्पी दिवाली।